नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसी महिला के बारे में जिसने स्वर्ण पदक हासिल किया था, हिमा दास, जिनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम में हुआ था। हिमा दास जी ने 19 साल की उम्र में एक महीने में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर दी है। आपको बता दें, यूरोप के अलग अलग शहरों में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के किसी भी ग्लोबल ट्राई इवेंट में अपने गोल्ड तांबा को झड़पने वाली देश की पहली भारतीय महिला रही हैं। आपको बता दें कि एले इंडिया, फेमिलार जैसी मैगजीन पर भी उन्होंने अपने हुनर से वहां जगह बनाई। आइए आपको रूबरू कराते हैं हिमा दास जी से। 2019 में हिमा ने पहला गोल्ड मेडल 2 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में जीता था। इस रेस को उन्होंने 30.65 सेकेंड में पूरा कर गोल्ड जीता था। 7 जुलाई 2019 को पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट के दौरान 200 मीटर रेस को हिमा ने 23.97 सेकेंड में पूरा करके दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया था। 13 जुलाई 2019 को हिमा ने चेक रिपब्लिक में हुई कलांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.43 सेकेंड में पूरा कर फिर से तीसरा गोल्ड मेडल हासिल किया था। 19 साल की हिमा ने बुधवार 17 जुलाई 2019 को चेक रिपब्लिक में आयोजित ताबोर एथलेटिक्स मीट के दौरान महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.25 सेकेंड में पूरा कर फिर से चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया। इस दौरान हिमा अपने रिकॉर्ड 23.10 सेकेंड के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाई। हिमा के चेक गणराज्य में ही शनिवार 20 जुलाई 2019 में 400 मीटर की स्पर्धा दौड़ में 52.09 सेकेंड के समय में जीत हासिल की। हिमा का जुलाई मास 2019 में मात्र 19 दिन के भीतर प्राप्त किया गया यह 5वां स्वर्ण पदक है। चेक गणराज्य में आयोजित ग्लाडोनो एथलेटिक्स में भाग लेने पहुंची हिमा दास ने 17 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्य में बाढ़ के लिए अपना आधा वेतन दान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर बड़ी कंपनियों और व्यक्तियों से भी आगे आकर असम की मदद करने की अपील की। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट।